आज नर्मद भैया की परिक्रमावासी नजर आ रहे हैं तो मिलते पूछते हैं। बहुत प्यारी मूर्ति लग रही है। नर्मदे हर बब्बा, बाबा कहाँ से आए? खरगोन जिला से आए। कौन सा गांव है खरगोन जिला में? कितने दिन हो गए माता जी परिक्रमा उठाए? चार महीने हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? नर्मदी अच्छे से नहीं परिक्रमा में, मतलब भोजन पानी की व्यवस्था पूरी हो जाए? हाँ, तो नर्मदा मैया सब व्यवस्था करवा देती है ना। सुबह नहीं तो शाम को तो कराते थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। थोड़ी रिपोर्टिंग करना बाबा जी। हाँ जरिए ट्रैक्टर निकल जान दो। नर्मदे हर बब्बा। बाबा जी अब जी बता दो कौन से जिले से आए हैं? खरगोन जिले। खरगोन जिले में कोई गांव है क्या? असरावत तहसील। बस असरावत तहसील से आए। बाबा जी नर्मदा जी की परिक्रमा आपको कितने दिन होगा करते? पाँच महीने हो गए। परिक्रमा के दौरान कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। माँ नर्मदा जी की थोड़ी महिमा के बारे में बताइए। माँ महिमा की नर्मदा तो अपार है बाबा, उनकी महिमा को वर्णन करने से कौन सा भक्त ने उनकी वर्णन किया तो आप करेंगे उनकी महिमा। मतलब कोई नर्मदा जी परिक्रमा करते हुए कोई चमत्कार माता जी को आपको देखने को मिला? देती मैया पल पल पे देती है चमत्कार, जिस दिन भी अपने संकट में हो जाए उस दिन मैया रोवर सहायता करती है। हाँ पैर पड़ो, प्रणाम कर लो बाबा जी के, ना आशीर्वाद ले लो। परीक्षा दिन जा रहा है बाबा मोड़ा, पांचवी की बोर्ड परीक्षा। ठीक है बाबा जी, नर्मदे हर है ना। आगे मेरे गुरुदेव श्री बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, जे तो डोंगरवाड़ा है, फिर हासलपुर आएगा, फिर रंडाल आएगा है ना। हाँ देख बाद में निकल जानो। नर्मदे हर। Hare Rama, Hare Rama.